हेलो माय ब्यूटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट फॉर योर ब्राइडल किट सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट दी हेयर तो हेयर केयर के लिए सबसे ज़रूरी है एक अच्छा शैम्पू कुछ नया ना ट्राई करें अपने ब्राइडल किट में वो शैम्पू रखें जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और जो आपको सूट करता है नेक्स्ट थिंग इज कंडीशनर अगर आप कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप एक नई जगह जा रहे हैं तो वहाँ का पानी आपके बालों को सूट करेगा या नहीं करेगा आपके बाल और ज़्यादा फ्रिजी भी हो सकते हैं तो उस फ्रिज को मेंटेन करने के लिए उस फ्रिज को थोड़ा काम डाउन करने के लिए कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है तो जब भी शैम्पू करें कंडीशनर करना ना भूलें नेक्स्ट थिंग इज हेयर मास्क एक अच्छा सा नरिशिंग हेयर मास्क अपने ब्राइडल किट में ज़रूर यूज़ करें क्योंकि जो भी आपके वेडिंग फंक्शंस होंगे उसमें जो भी हीट स्टाइलिंग टूल्स आपके बालों पर यूज़ होंगे उससे आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे हेयर स्प्रे से प्रेसर्स ड्रायर कर्लर इन सब से आपके बाल डैमेज हो जाएंगे तो उनकी नरिशमेंट वापस लाने के लिए एक अच्छा सा हेयर मास्क खरीदना बहुत ज़रूरी है अगर आप हेयर मास्क नहीं खरीदना चाहते तो आप कोई भी हेयर ऑयल खरीद सकते हैं जो आपको सूट करे जैसे कि ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल या फिर सिसमा ऑयल नेक्स्ट थिंग जो आपको लेनी चाहिए हेयर केयर के लिए वो है एक डिटैंगलर जो टैंगल टीजिंग करते हैं बैक कॉम्बिंग करते हैं बालों में उसे सुलझाने के लिए डिटैंगलर बहुत ही इजीली बैक कॉम्बिंग को हटा देता है तो एक डिटैंगलर जरूर लें नेक्स्ट थिंग जो आपको लेनी चाहिए अपने किट के लिए वो है हेयर ड्रायर और प्रेसर अगर आप हीटिंग टूल यूज करते हैं तो एक हेयर ड्रायर और एक प्रेसर जरूर लें अपनी ब्राइडल किट के लिए नाउ हीटिंग टूल्स की बात हुई है तो एक हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू डोंट वॉन्ट टू डैमेज योर हेयर विद हीट तो एक हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे ज़रूर लें नेक्स्ट थिंग इज ड्राई शैम्पूज इन दिनों में बहुत काम आएंगे जब आपको हेयर वॉश करने का टाइम नहीं मिलेगा एंड वो ग्रीसी हेयर्स को ठीक करने के लिए आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज हेयर सीरम तो हेयर सीरम आपके फ्रिज को कंट्रोल करेगा आफ्टर योर हेयर वॉश एंड कंडीशनिंग हेयर सीरम लगाएं अपने बालों के एंड्स पे ताकि वो ज़्यादा फ्रिजी ना रहे नाउ द लास्ट थिंग जो हेयर केयर के लिए आपको अपनी किट में रखनी चाहिए वो है यू पिंस रबर बैंड्स क्लिप्स क्लचर्स इस तरह के कुछ छोटी चीज़ें Now let's move on to the skincare. तो skincare की बहुत लंबी लिस्ट है एक्चुअली तो skincare बहुत ज़रूरी है आफ्टर योर वेडिंग बिकॉज जो इतना सारा मेकअप यूज़ हुआ है आपके फेस पे उससे आपको ब्रेकआउट हो सकता है एलर्जी हो सकती है और स्किन को स्किन केयर अगर अच्छा होगा तो आपकी स्किन भी अच्छे से ग्लो करेगी सो एक अच्छा स्किन केयर रेजिमे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है तो उसमें सबसे ज़रूरी है एक अच्छा सा फेस वॉश जिस भी तरह की आपकी स्किन है ड्राई नॉर्मल ऑयली एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन सेंसिटिव उसके हिसाब से फेस वॉश ले कुछ नया ना खरीदें ऐसा फेस वॉश ले जो आपको सूट करता हो आप पहले भी यूज़ कर चुके हों और जो आपकी स्किन टाइप के लिए बना हो नेक्स्ट थिंग इज टोनर एक टोनर बहुत ज़रूरी है जो पोर्स है उन्हें क्लोज करने के लिए क्योंकि मेकअप से क्या होता है कि जो चेहरा है वो इतना स्मूथ नहीं रहता थोड़ा सा पोर्स ओपन हो जाते हैं तो अच्छे से पोर्स को क्लीन करने के लिए पोर्स को क्लोज करने के लिए एक अच्छा टोनर लेना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजर चाहे आपकी ऑयली स्किन हो ड्राई स्किन हो नॉर्मल स्किन हो या एक्ने प्रोन स्किन हो एक मॉइस्चराइजर लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप एक लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें या जेल बेस्ड या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करें अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज सनस्क्रीन सनस्क्रीन लेना बहुत ज़रूरी है मेक श्योर कि सनस्क्रीन में एटलीस्ट SPF 50 हो बिकॉज आई एम श्योर आप अपनी शादी के बाद हनीमून पे ज़रूर जाएंगे तो वहाँ पे सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है तो एक अच्छा सा 50 SPF का सनस्क्रीन लेना ना भूले फॉर योर स्किन एज वेल एज फॉर योर बॉडी
नेक्स्ट थिंग जो आपको चाहिए आपकी स्किन केयर किट में वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो भी आपकी स्किन को हार्म हुआ है पॉल्यूशन से, सन से, स्किन बर्न, उन सबको काम डाउन करेगा। तो जब भी आप शाम को घर आए फेस वॉश करने के बाद अच्छे से एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं अपने पूरे फेस पे। नेक्स्ट थिंग जो आपकी स्किन केयर किट में होनी चाहिए वो है वेट वाइप्स। वेट वाइप्स बहुत हैंडी होते हैं जब आपको मेकअप रिमूव करना होता है या फिर जब आप कहीं बाहर हैं जस्ट टू क्लीन योर फेस, तो वेट वाइप्स जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज SOS क्रीम। SOS क्रीम से मेरा मतलब है ऐसी कोई क्रीम या कोई प्रोडक्ट जो आपके पिंपल को जल्दी से रिड्यूस करे। कभी कभी टेंशन की वजह से हमें जस्ट बिफोर आवर मैरिज कोई छोटा सा पिंपल आ जाता है जिससे हम नहीं चाहते ऑब्वियसली अपनी वेडिंग पे, तो उसके लिए एक SOS क्रीम बहुत ज़रूरी है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा सजेशन है TT ऑयल। TT ऑयल बहुत जल्दी से पिंपल को श्रिंक करता है, एंटीसेप्टिक है, नेचुरल है। नेक्स्ट थिंग जो आपको अपनी स्किन केयर किट में रखनी चाहिए वो है अंडर आई क्रीम। इतने ज़्यादा फंक्शन, टेंशन, टाइडनेस से डार्क सर्कल हो सकते हैं, तो इसके लिए अंडर आई क्रीम यूज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग जो आपको अपनी स्किन केयर किट में रखनी चाहिए वो है शीट मास्क। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप घर में मास्क बनाएं, लगा के 15 मिनट आराम से बैठें, फिर उसे क्लीन करें, तो शीट मास्क बहुत लेस मेसी है, तो शीट मास्क ज़रूर लें अपनी स्किन केयर किट के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सोप या शावर जेल, जो भी आपको सूट करता हो, साथ ही साथ एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन। नेक्स्ट इज डिओड्रेंट, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू स्मेल बैड, और आप एक अच्छा सा परफ्यूम एंड बॉडी मिस्ट भी ज़रूर लें फॉर दोज स्पेशल डेज जब आप थोड़ा स्पेशल स्मेल करना चाहते हैं। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, या जो भी आपके फ्रेंड्स जिनकी शादी होने वाली है अभी उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा।